मुल्तान में बेसिकली SOS के जो हैं इस वक्त 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो है SOS चिल्ड्रन विलेज। वहाँ पे हम कंप्लीट ऑर्फन बच्चों की यानी उनकी कफालत करते हैं जिनके बोथ पेरेंट्स ना हो, वालदा और वालिद दोनों ना हो, या तो दोनों ने दूसरी शादी कर ली हो या फिर दोनों की जो है वो डेथ हो गई हो। तो और इसके अलावा अबेंडेंट बच्चे जिनका मुआशरे में कोई नहीं है। उसके अलावा जब विलेज में लड़के एक एज क्राइटेरिया से अबव हो जाते हैं, लाइक 13 ईयर्स वो हमने एज क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है यूथ होम। तो लड़कियां जो हैं फिर वो विलेज में रह जाती हैं, 13 साल से लड़के जब अबव हो जाते हैं तो वो यूथ होम में चले जाते हैं। उसके अलावा हमारा एक SOS हरमन माइनर स्कूल है जिसमें हमारे तमाम प्रोजेक्ट के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। उसमें सिर्फ SOS के ही बच्चे नहीं हैं, उसमें कम्युनिटी के बाकी बच्चे भी हैं जो कि मतलब एक अच्छी तालीम अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं लेकिन एक बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट हुआ है, 6 मंथ हुए हैं इसको, ये है SOS चिल्ड्रंस होम। इसमें क्या क्राइटेरिया है बच्चों के एडमिशन का, वो ये है कि यहाँ पे हम सिंगल ख्वातीन के बच्चे रखते हैं। वो सिंगल औरतें ख्वा वो विडो हों या वो डाइवोर्स्ड हों, लेकिन उनके लिए हमने एक क्राइटेरिया जो है वो हमने सेट किया हुआ है कि वो औरत जो है वो वर्किंग वुमन होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं काम करती हो। लाइक विलेज में जो हमारा क्राइटेरिया उसमें हम बच्चियों को उनकी शादी तक और यूथ होम में बच्चों को हम उनकी एजुकेशन की कंप्लीशन तक रखते हैं, लेकिन ये जो इदारा है यहाँ पर हम बच्चों को मैट्रिक तक रखेंगे। मैट्रिक कराने के बाद हम उनकी वालदा को उनके बच्चे हैंड ओवर कर देंगे कि अब आप अपने बच्चे लेके जा सकती हैं, और फिर हम इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। एज जो हमारा एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें एज क्राइटेरिया जो हमने रखा है वो हमारा है 3 ईयर्स से 8 ईयर्स तक। मिनिमम बच्चा हो 3 साल का और मैक्सिमम बच्चा 8 साल तक, उससे अबव हम एडमिशन नहीं करते। लेकिन फिर यहाँ रह के तो बच्चे ज़ाहिर है वो ग्रो अप होते हैं तो वो जाते हैं आगे एज तक भी, लेकिन एडमिट जो एडमिशन क्राइटेरिया है हमारा जब बच्चों को एडमिट करते हैं तो वो 3 to 8 ईयर्स है। अभी तो ये हमारा प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट हुआ है ना, ये फर्स्ट बैच है अब इसका, ये जो हमारे पास बच्चे हैं इसका फर्स्ट बैच है। तो मैट्रिक के बाद फिर वो उसकी वालदा के पास ये एक टाइम पीरियड है कि उस टाइमिंग में वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ कर लें। तो लेकिन हमारा जो विलेज है मेन हमारी जो हब है वहाँ पे लड़के जो हैं वो मतलब 7th क्लास से वो यूथ होम में चले जाते हैं। बेसिकली बच्चों को हम उनकी लाइफ बेस एसेंशियल जितनी भी सहूलियात होती हैं वो हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। उसमें मतलब उनका रहना सहना आ सकता है, उनका खाना पीना, उनकी तालीम, हर किस्म की सहूलियात। मतलब हर बच्चे का यहाँ पे मतलब सिंपल बेड है अपना बच्चे का पर्सनल, उसके अलावा उसको टॉयज़ की हम देते हैं एज के हिसाब से, उसकी एजुकेशन है मतलब उसका फूड है, उसके कपड़े, हर चीज़ इदारा जो है वो यहाँ से प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है हम उसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। हम तो अपने इदारे की एडवर्टीज़मेंट करते हैं, मतलब हमारे जो मुल्तान के बहुत सारे मुखैर हजरात हैं उन्होंने यहाँ पे ये इदारा बेसिकली हमारा स्पॉन्सरशिप पे चलता है, हर बच्चे को किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है। फिर मतलब और हमारे मुल्तान में जैसे हमारे SOS फ्रेंड्स ऑफ SOS हैं जिन्होंने SOS के साथ हाथ मिलाया हुआ है, मतलब वो लोग अपना कुछ भी उनका होता है उसमें हमारे साथ कोलेबोरेशन करते हैं, वो हमारे बच्चों को बुलाते हैं। लाइक हमारा मुल्तान का आप सबको पता होगा रमाडा होटल मुल्तान, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा उनका हैंड है हमारे साथ, लेकिन वो हमें बुलाते हैं अपनी हर एक्टिविटी में बुलाते हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चा पार्टी, बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को बुलाते हैं, और उन्हीं जगह पे जाके हम अपनी मतलब एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, SOS के बारे में ब्रीफ भी करते हैं, फिर लोगों को पता चलता है कि ये मतलब SOS है क्या। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि SOS है क्या, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा तो इंशाल्लाह होता रहेगा। हमारे SOS के बच्चों का जो है वो एक स्लोगन हमने बनाया हुआ है कि मैं यतीम हूँ बेघर नहीं। तो मैं सब लोगों से जो भी देख रहे हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि SOS के साथ हाथ मिलाएं, हमें आप जैसे बहुत सारे मुखय्यर हजरात की ज़रूरत है। हम अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम इससे हमारा जो विजन है वो उससे ज़्यादा कहीं बड़ा है, और उसके लिए हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है ताकि जितने बच्चे भी जो इन सहूलियात के हकदार हैं लेकिन इनसे महरूम हैं वो आएं और यहाँ पे आके अपनी सहूलियात जो है वो हासिल कर सकें। हम अपने बच्चों को हर किस्म की बेसिक सहूलत जो है वो देते हैं। उसमें बेसिक सहूलियात की अगर हम बात करें तो उसमें हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम बच्चों के लिए गेम्स को मतलब प्लान करते हैं, हमारे पास ताइक्वांडो की प्रॉपर मार्शल आर्ट की क्लास होती है, हम अपने बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करने के लिए ये क्लासेस को कराते हैं। इससे बच्चे मतलब देखें हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते, उनका बाहर की दुनिया से कोई ख़ास इंटरेक्ट नहीं है, मतलब किसी कैयन पे ही जाते हैं वो अंदर ही रहते हैं। तो इस 4 दीवारी के अंदर रहकर हमने अपने बच्चों को अपने तौर पर हर सहूलत दी हुई है, जिसमें मार्शल आर्ट्स भी है, हम म्यूज़िक क्लासेस भी कराते हैं अपने बच्चों की,
मतलब कुरान क्लास भी है, उनको हर किस्म की सहूलत जो है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो मार्शल आर्ट प्रोवाइड करने का बच्चों को मकसद ही यही है कि बच्चे सिर्फ तालीमी दौड़ में ही नहीं, बाकी अपनी सेहत के हवाले से इस दौड़ में भी बच्चे आगे हों, वो जान सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया में आगे उनको बढ़ने के लिए ये पता हो कि किस किस चीज़ की उनको ज़रूरत है।